नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशनेट बायोलॉजी में। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोज़ का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंटमोलॉजी का ऑर्डर प्रोट्यूरा। सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। जो टर्म है प्रोट्यूरा, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें प्रोटो का मीन्स है फर्स्ट या प्रिमिटिव, और यूरा का मीन्स है टेल। मीन्स ये ऐसे प्रिमिटिव इंसेक्ट्स होते हैं जिसके एब्डोमेन का लास्ट सेगमेंट टेल लाइक अपीयर होता है, इसलिए इस ऑर्डर का नेम है प्रोट्यूरा, और इसमें प्रोट्यूरेंस आते हैं। इन्हें हम टेल्स एंड टेल भी कहते हैं, क्योंकि लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जो टेल लाइक अपीयर होता है उसे हम टेल्सन कहते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास है एंटोग्नाथा, ऑर्डर है प्रोट्यूरा, फैमिली है एक्रेंटोमिडी, जीनस है एक्रेंटोमॉन, स्पीसीज है डोड्राई। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक्रेंटोमॉन का एग्जांपल लिया है। अगर आपको प्रोट्यूरा का कोई और एग्जांपल लेना है तो आप अपने अकॉर्डिंग फैमिली, जीनस और स्पीसीज यहाँ पर चेंज करके अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। बाकी पूरा क्लासिफिकेशन ऐसे ही लिखा जाएगा। ये नमी वाली एरियाज में पाए जाते हैं, जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, या फिर कभी कभी स्टोन्स के नीचे भी पाए जाते हैं। इसमें टोटल 7 फैमिलीज हैं और 800 के अप्रॉक्स इसमें अभी तक जीनस खोजी जा चुकी हैं। दोस्तों, किसी भी ऑर्डर में फैमिलीज और स्पीसीज का एग्जैक्ट नंबर बता पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप अलग अलग जगह पर देखेंगे तो हो सकता है कि इनके नंबर्स में आपको डिफरेंस मिले, लेकिन फिर भी जितनी मैक्सिमम नंबर मेरी नॉलेज में है वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की है। लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो इनमें ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। ए मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस का मीन्स होता है कि इसमें मेटामॉर्फोसिस अब्सेंट होती है, लेकिन फिर भी इसकी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस पाई जाती हैं, एग, निम्फ एंड एडल्ट। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगती है कि इसमें जो एग से हैच होकर के निम्फ निकलते हैं वो बिल्कुल एडल्ट की ही तरह अपीयर होते हैं, बस साइज में छोटे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती है। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स जान लेते हैं। इनकी बॉडी छोटी, सॉफ्ट और 0.5 से 2.5 mm लॉन्ग होती है। एंटीनी अब्सेंट होती है। हेड प्रोग्नेथस होता है। कंपाउंड आइज अब्सेंट होती है। माउथ पार्ट पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का होता है। लेग्स लॉन्ग होते हैं, जिनमें 1 सेगमेंटेड टार्साई और टर्मिनल एंड में 1 सिंगल क्लॉ प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में ये देख सकते हैं। यहाँ पर टर्मिनल एंड में यहाँ पर एक सिंगल क्लॉ प्रेजेंट होता है। इनमें एंटीनी तो नहीं होती है, इसलिए इनका फ्रंट लेग ही आगे की ओर एंटीनी की तरह होता है, जो एक सेंसरी ऑपरेटस की तरह वर्क करता है। ये आप इसमें फिगर में देख सकते हैं, ये जो फ्रंट लेग है इसका, ये आगे की ओर होता है, एंटीनी की तरह वर्क करता है, और ये सेंसरी होता है। विंग्स नहीं होते हैं क्योंकि एटेरस इंसेक्ट है। सरकाई अब्सेंट होती है। एब्डोमेन 11 सेगमेंटेड होता है। एलिमेंट्री कैनाल में 3 पार्ट्स होते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फीमेल और मेल्स दोनों में ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। अब इनकी इकोनॉमिक वैल्यू को देख लेते हैं। ये डीकम्पोजर कम्युनिटी के होते हैं, क्योंकि ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर फीड करते हैं। इनमें 7 फैमिलीज होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्रेंटोमिडी, प्रोटेंटोमिडी, हेस्परेंटोमिडी,
इओसेंटोमिडी, एंटलेंटोमिडी, साइनेंटोमिडी, फ्यूजेंटोमिडी। तो ये सेवन इसमें फैमिलीज हैं। अब इस ऑर्डर के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिससे इनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो आइए वो देख लेते हैं। प्रोट्यूरा फाइलम आर्थ्रोपोडा का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्डर है क्योंकि इसमें सबसे कम स्पेसीज पाई जाती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनमें ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्डर है। और इसमें इंसेक्ट का फ्रंट लेग सेंसरी ऑपरेटस की तरह वर्क करता है। ये इसका मेन स्पेशल एक कैरेक्टर है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। थैंक यू, दैट्स ऑल।